हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो आज की वीडियो ना बहुत ही एक्साइटेड और इंटरेस्टेड होने वाली है। तो आज मैं आपको बहुत सी कुछ बहुत पुरानी बहुत साल पुरानी चीज़ें बताने जा रही हूँ। आज मैं घर में ही थी, थोड़ा सारा काम निपटा लिया है, तो फ्री बैठी थी। मैंने सोचा क्यों ना आज बुज़ुर्गों के टाइम की कुछ पुरानी चीज़ें आपको बता दी जाए जो हमने अपने संदूक में संजो के रखी हुई है। तो अभी बताती हूँ मैं आप। तो गाइज, आज जो है बहुत बारिश हो रही है। काफ़ी दिन से, 4-5 दिनों से बारिश नहीं हो रही थी और आज जो है बारिश हो रही है। और मुक्तिका और मुक्तिका के पापा सोए हुए हैं इस टाइम। और मैं आपको पुराने सिक्के बताती हूँ यहाँ से निकाल के। ये देख रहे हैं आप, ये सिक्का बहुत पुराना है, ऐसा समझ लो कि ये रामायण के टाइम का है। ये देख रहे हैं आप, बहुत पुराना है। बैक कैमरे से मैं आपको जो है सारे सिक्के बताऊंगी। ये जो है दादी जी ने संभाल के रखे हुए थे ये सिक्के, जो बहुत पुराने हैं, अंग्रेज़ों के टाइम के, अंग्रेज़ों से भी बहुत पहले, ऐसा समझ लो कि मुग़ल के टाइम के हैं, बहुत पुराने हैं और संभाल के रखे हुए हैं। बहुत ही वैल्यू है आज भी, आज के टाइम में भी इन सिक्कों की। तो गाइज़, इन सिक्कों के बारे में जो है मुक्तिका के पापा को ज़्यादा पता, उन्होंने ये संभाल के रखे हैं। मुक्तिका के पापा की दादी ने जो है मुक्तिका के पापा के पास दिए थे, उन्होंने, मुक्तिका पापा ने बहुत संभाल के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर है मुक्तिका पापा सोए हुए और मुक्तिका भी पीछे सोई हुई हैं। तो मुक्तिका पापा ये बताएंगे इन सिक्कों के बारे में, थोड़ा सा बैक कैमरे से बताते हैं। तो गाइस, ये देख रहे हैं आप, पुरानी हमारी तिजोरी जो है दादी जी के टाइम की है। तो मुक्तिका के पापा ने अभी तक जो है संभाल के रखी हुई है। ये जो है रिंगाल के लकड़ी की बनी हुई हैं और इसमें जो है सिक्के और कुछ पुरानी चीज़ें संभाल के रखी हुई है मुक्तिका के पापा ने। चलो इसको खोलते हैं, चलो खोलो, मुक्तिका के पापा खोलेंगे इसको। तो गाइस, आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी पुरानी चीज़ें देखने को मिलेगी। अच्छा, अब मुक्तिका के पापा बताएंगे। ये है पुराने, इसमें फोकस करो, ये है पुराने टाइम के जो बुज़ुर्ग लोग शिकार करते थे ना, उन्होंने कुछ जैसे हिरन वगैरह मारे थे कुछ पुराने, तो उसके सींग रखे हैं संभाल के, दो यहाँ पे जो पुराने शिकार पशुओं के है ना, जंगली जानवर के। ये हिरन का है कुछ, ये भी किसी का सींग है, पता नहीं किसका है, हिरन के बच्चे का हो सकता है शायद, है ना। तो सींग तो दो ही है, बाकी ये भी है कुछ पुराने, जो चाकू या खुकरी है उसका कवर पीछे से, ठीक है। ये चंदन की लकड़ी का पीस है, ये भी सींग है किसी चीज़ का, पता नहीं किसका है पर। ओके, ये पुराना पत्थर है, बहुत साल पुराना, जूम करो इस पे थोड़ा सा, और ये कुछ अलग बातू बोल सकते हैं इसको, बातू, बातू मतलब जैसे। ये बहुत हैवी पत्थर है, बहुत भारी है, भारी है, बहुत बहुत भारी है सच में उठाने में, है ना। ये कुछ नहीं है ये खास, ये भी एक चीज है, पता नहीं क्या है। ये देखो आप, दिया टाइप है कुछ, लकड़ी का बना है, प्योर पुराना है ना, दिया दिवाली के टाइम जो है इसका यूज करते थे। ये देखो आप, पुराने टाइम की बिल्कुल लकड़ी की पूरी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री बॉक्स है। और इसमें बिल्कुल देखो यहाँ पे हैंडल कितना सुंदर दिया है, और यहाँ पे पुराने टाइम में चीज़ रखते थे अपनी संभाल के, और इसमें हाँ। पूरा लॉक सिस्टम भी है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, लॉक है यहाँ पे। इसकी चाबी भी मेरे पास है, वो देखनी पड़ेगी कहाँ रखी है, वहाँ उसमें अलमारी में, है ना। तो ये लॉक भी होती है पूरे से, हाँ जी। ये है प्योर लकड़ी का बना है और इसमें खूब देवदार की लकड़ी के बनी हुई है, है ना। तो ये भी है पुरानी चीज, कुछ काफी बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। और क्या है इसमें, और अब जो है सिक्कों की जो है ज्योमेट्री बॉक्स खोलते हैं।
अच्छा तो बहुत संभाल के रखी हुई है मेरे पास। तो और भी है देखो पुरानी चीज़, ये पुराना डब्बा है एक, इसमें संभाल के रखे हैं कुछ चीज़ें, इसमें बाहर दी हुई तस्वीरें देखो, इसमें इसमें किस चीज़ का फोटो है, ये है राजा भरत का, भरत जो शेर से लड़ रहा है ना उसका फोटो है, पुराना है, बहुत पुराना डब्बा है, पता नहीं कब किस टाइम का है, शक्ल से ही लगता है बहुत पुराना है। आगे पीछे से बताओ, तो पीछे से क्या है देखो आप किस तरीके से इसमें डिजाइन की हुई है, बहुत पुराना जो है ज्योमेट्री बॉक्स है, ग्वालियर इंडिया में बना था और 400 ग्राम एक का। एक मिनट जूम करके दिखाती हूँ, जूम करके देखो ठीक है। तो इसमें देखो कुछ पुरानी कलेक्शन है कॉइन्स की लेकर, है ना, जिसको सिक्कों के बारे में नॉलेज है ना, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं जिसको सिक्कों के बारे में जानकारी होती है, इसमें आपको बहुत पुराने पुराने सिक्के मिलेंगे देखने को। ये सिक्के मैक्सिमम अंग्रेजों के टाइम के हैं और कुछ तो अंग्रेजों से भी बहुत टाइम मुगल से भी के पुराने, जैसे के। जो इस्लामिक रूल था दिल्ली डायनेस्टी उस टाइम के सिक्के हैं, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे रियासत पड़ती है मंडी रियासत, उस पे भी इस्लामिक रूल रहा है कुछ टाइम, जैसे मुगल वगैरह का। यहाँ पे आप देख रहे हैं आप, ये सारे हैं पुराने सिक्के, इन सिक्कों को हम वन बाय वन देखेंगे, कुछ जो खास खास सिक्के हैं इसमें, जैसे कि ये सिक्के हैं, इस सिक्के को अगर आप जूम करेंगे, ये है जॉर्ज पंचम किंग एम्पायर, जब अंग्रेज़ों का रूल था तो जॉर्ज पंचम उस टाइम थे किंग, तो उसके टाइम का सिक्का 1941 का सिक्का ही है ठीक है, जब देश गुलाम ही था अंग्रेजों का ठीक है। देख रहे हैं आप सिक्का, जूम करके नीचे रखो, देखो यहाँ पे जूम करके इसको बैक भी करो, है ना, तो ये है 1971 का, 71 नहीं 41 का, 71 में आज़ाद हो गए थे, तो ये सिक्का है। अच्छा ये सिक्का है, ये तो उससे भी पुराना है, देखो यहाँ पे नीचे रखो, ये है 1882 का, वन आना का सिक्का ये 1882 का, इसमें जो कौन क्वीन थी उस टाइम उसका फ़ोटो नहीं है, कुछ भी मिट गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सिक्का, ये है इस्लामिक रूलर जब थे, इसका कोई भी जो सिक्कों का थोड़ा सा नॉलेज रखता है ना उसको पता होगा, बाकी ये सिक्का मैंने बुक में देखा है, पर इस्लामिक रूल के टाइम ये सिक्का ज़्यादा था, है ना। अच्छा और कौन कौन से सिक्के हैं, बहुत ही ज़्यादा पुराना है, तो आप देख रहे हैं ये सिक्का, ये सिक्का भी बहुत पुराना है, इसमें डेट तो कुछ है नहीं, और इसमें देख रहे हैं आप भगवान श्री राम, राम परिवार है यहाँ पे पूरा, राम सीता लक्ष्मण भर शत्रुघ्न और हनुमान जी, पूरी राम दरबार है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे हनुमान का सिक्का है, ये हनुमान की तस्वीर है ना, यहाँ पे लिखा भी है पर ये पढ़ने में थोड़ा सा यहाँ पे उर्दू है, उर्दू है, उर्दू तो है नहीं है, तो संस्कृत लिखी है पर समझ नहीं आ रहा क्या है ना, कौन सी डेट का सिक्का है, तो ये भी काफ़ी पुराना सिक्का देख रहे हैं आप। ओके और चलो बताओ आगे, यहाँ पे जो सिक्के हैं ये सारे अंग्रेजों के टाइम से, ये सिक्का देखो ये उससे भी पुराना है, ये 1800 का है, 1835 ठीक है, ऐसे ऐसे ये सिक्के हैं सारे अंग्रेजों के टाइम के, और देखो आप कितने सारे सिक्के हैं, सबको बताना तो पॉसिबल नहीं है, इसमें अलग अलग तरीके के सिक्के हैं, ये देखो आप अलग तरीके का सिक्का है ना। तो यहाँ पे एक और पुरानी चीज़ है देखो, ये पुरानी क्या है, ये संदूक छोटा सा, पुरानी तिजोरी एक प्रकार से, मेटल की बनी हुई है, मेटल की नहीं लकड़ी की है, ये मेटल की है। इसमें ये लगे हैं लकड़ी की, देखो आप इसके जो चारों तरफ कुंडू है, एक कुंडू सिर्फ इससे खुलता है यहाँ से, यहाँ पे आप लॉक भी लगा सकते हैं ना, इसको
उतने को मुक्तिका भी उठ गई पीछे से, सोई हुई थी अभी। हाँ जी, इसमें छोटे छोटे सिक्के डाल सकते हैं। इसमें सिक्के, ये है कुछ नए सिक्के, ये डाले थे मैंने इसमें, ये अपने कुछ खास सिक्के हैं, ये मुक्ति के काम आएंगे। इसमें अब ये देख रहे हैं, अब मुक्ति बताएगी सिक्कों को। अब मुक्ति इनको, मुक्ति अगली साल जाएगी स्कूल, फिर मुक्ति को दिया करेंगे एक एक सिक्का रोज चीजी खाने के लिए। चाहिए तुझे मुक्ति? चाहिए कि नहीं बताओ? चाहिए। क्या ये सिक्का, कॉइन है ये? ये पापा ने रखे तेरे लिए इकट्ठा करके, संजो के रखे, बहुत पुराने। ये 10 रुपीज का सिक्का। कितने कितने पैसे चाहिए मुक्ति का तुझे? 2 पैसे। 2 पैसे चाहिए, ठीक है। अभी जो है मुक्ति का 2.5 साल की हो चुकी है। ये पायल है एक, बहुत पुरानी है ये ना। अगली साल स्कूल जाएगी। ये पायल है, मुक्ति को देंगे इसको, है ना? मैं बताऊंगी, पापा बताएंगे कैसे पहनते हैं। ये और भी बहुत सारे सिक्के, सबको बताना तो पॉसिबल नहीं, ये तो सब सिक्कों को बताना तो पॉसिबल है नहीं, बहुत सारे सिक्के हैं। हाँ ना, तो यहीं पे वीडियो को, पापा जी ये है, पापा क्या है ये? ये है ओकी, ओकी है ये, ओकी ओकी गुट्टी है ये, ठीक है। ये तो ये रे, बहुत पुरानी चीज है। तिराजू देखो, ढंग से बताओ, बहुत पुराना है। और भी कुछ चीजें हैं बची हुई है, और यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं है। ये बता दिए, ये पता नहीं क्या है, सींग है ये। ये भी सींग है किसी का, किसी एनिमल का सींग है ये, आई डोंट नो। ठीक है, ओके। तो गाइस, ये रहे कुछ पुराने सिक्के, ये देख रहे हैं आप, जो मुक्तिका के पापा ने बड़े संजो के रखे हुए हैं, जो मुक्तिका के पापा को जो है मुक्तिका की दादी ने दिए हुए थे, और उन्होंने बहुत ही संभाल के रखे हुए। तो आपको बताए, और आपको बताने का जो टाइम निकाला, तो उम्मीद करते हैं कि आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में। तो बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।